नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर रमेश राज, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल रमेश राज। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि 1250 स्क्वायर फुट एरिया में अगर 2023 में स्लैब कास्टिंग करा रहे हो, छत को डलवा रहे हो, तो मीटर के साथ साथ लेबर का कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, जिसमें हम ए टू जेड एस्टिमेट और कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे। छत के साथ बीम अगर ढलवा रहे हो तो, और दोस्तों बारिश का टाइम है, बैकग्राउंड से आपको नॉइज का आवाज़ आ रहा होगा बारिश का, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मेरे पास ऐसा कुछ सेटअप नहीं है, बस रूम में ही वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि मेरे पास भी एक अच्छा स्टूडियो और सेटअप हो सके। फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर पॉइंट का बात कर ले, स्लैब का एरिया यानी कि लंबाई चौड़ाई, तो 25 फुट बाय 50 फुट है, तो यह 1250 स्क्वायर फुट इसका एरिया हो गया, ठीक है। और स्लैब का मोटाई जो है 5 इंची है, और जो कंक्रीट का रेशियो होगा वो M20 ग्रेड का कंक्रीट, सभी वीडियो में हम बात किए हैं, बेस्ट होता है, ठीक है। इसका रेशियो 1:1.5:3 होता है, ठीक है। 1 बैग सीमेंट 1.5 बैग बालू 3 बैग गिट्टी, ठीक है। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार रख सकते हैं, बाकी ये बेस्ट होता है और सेफ भी होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मटेरियल, ठीक है, सीमेंट, बालू, गिट्टी और TMT, सरिया, सेटरिंग, लेबर कॉस्ट, ठीक है। इसमें बीम का और स्लैब का दोनों काम बताने वाले हैं, तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिए। और बैकग्राउंड में जो भी आपको आवाज़ आ रहा है, बारिश का मौसम है, बारिश हो रहा है, ठीक है। और मेरे पास कोई ऐसा सेटअप तो है नहीं स्टूडियो जो नॉइज नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तभी ये संभव हो पाएगा कि हम अच्छा सेटअप और स्टूडियो बना पाएंगे। तो दोस्तों सीमेंट का अगर बात कर ले, तो छत ढलाने के लिए आपको जो ऊपर का पोर्शन रहता है उसमें आपको 110 बैग आपका सीमेंट लग जाएगा, साथ साथ स्लैब के नीचे बीम होता है, ठीक है, तो वो बीम भी देना पड़ता है। तो वो बीम बनाने के लिए स्लैब के जो नीचे बीम रहता है, स्लैब के साथ जो बीम और स्लैब दोनों ढलाता है, तो बीम के लिए आपको 19 बैग सीमेंट लगेगा, ठीक है। तो टोटल ये कितना हो गया दोस्तों, टोटल ये 129 बैग हो गया सीमेंट का, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे कि सीमेंट जो है 129 बैग 420 रुपया रेट अभी है, ठीक है, 400 से 450 रुपया, तो कहीं 420 कहीं 430 में मिलता है, कहीं 425 में, ठीक है। तो 420 रुपया में एक अच्छा सीमेंट लीजिएगा, 420 गुने 129, देखिए दोस्तों 54,000 यानी 54,180 रुपया पड़ जाएगा, ठीक है, ये रुपया का साइन है दोस्तों। इसी के साथ हम सेकंड अगर सीरियल नंबर पर बात कर ले, तो सैंड है, सैंड को हम लोग बालू और रेत बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट फुट में CFT में करते हैं हम लोग, या तो ब्रास में करते हैं, तो एक ब्रास बराबर 100 CFT होता है, यानी क्यूबिक फुट। तो अब हम बालू का क्वांटिटी का बात कर ले, तो स्लैब के लिए 263 CFT लग जाएगा, और स्लैब के साथ जो बीम है, जो नीचे में डलाता है बीम, तो उस बीम में आपको 46 CFT लग जाएगा, ठीक है। जब दोनों को जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो 263 प्लस 46 CFT, तो 309 CFT होगा टोटल, 309 CFT यानी क्यूबिक फुट होगा, 309 CFT क्यूबिक फुट बालू गुने 75 रुपया लेके चलिए, कहीं कहीं पे यह 70 भी हो सकता है और कहीं पे 80 रुपया भी, ठीक है। यानी कि 70 से 80 रुपया के बीच में एक CFT मिल रहा है 2023 में। आपके एरिया में थोड़ा बहुत कम बेसी होगा, तो जो भी रेट रहे प्लीज़ गुना कर लीजिएगा क्वांटिटी से। तो फिलहाल हम 309 CFT गुने 75 रुपया कर दें, तो देख सकते हैं यह 23,175 रुपया लग जाएगा बालू के ऊपर। अगर बीम नहीं डालेंगे छत के साथ, तो आपका ये कम हो सकता है, और आपके एरिया में जो भी रेट रहे, मान लीजिए कम रेट चल रहा है, तो यह कम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, क्वांटिटी तो वही रहेगा। चौथे पॉइंट में अगर बात कर ले, तो गिट्टी है, गिट्टी एग्रीगेट खड़ी, ठीक है,
तो छत के लिए दोस्तों 400 एक CFT लग जाएगा क्यूबिक फुट, और 70 CFT लग जाएगा दोस्तों आपका बीम के लिए जो छत के नीचे बीम डलाएगा। तो यह टोटल हो जाएगा 471 CFT, ठीक है। CFT का मतलब क्यूबिक फुट, तो 471 CFT गुने इसका रेट हम लेके चल रहे हैं गिट्टी का 75 रुपया, इसका भी लेके चल रहे हैं। ऐसे तो गिट्टी महंगा है, हमारे एरिया में तो 80-85 रुपये है, लेकिन एक एवरेज 70-75 रुपया गिट्टी का भी रेट लेके चलें, ठीक है। आपके एरिया में जो भी रहेगा, अगर कम है तो गुना कर लीजिएगा, तो यहाँ पे कम ही आएगा, ठीक है, हम जो बता रहे हैं उसे। तो 471 CFT क्यूबिक फुट गुने 75 रुपया, तो यह दोस्तों 35,325 रुपया पड़ेगा, ठीक है। हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि कितना खर्चा आसपास पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, क्योंकि हर एक लोकेशन में रेट थोड़ा बहुत 10 रुपया वैरी करने लगता है, ठीक है। अब TMT सरिया का अगर बात कर ले, तो TMT जो सरिया रहेगा स्टील रहेगा 974 किलोग्राम आपका स्लैब के लिए लगेगा, प्लस 315 किलोग्राम आपका जो छत के नीचे बीम ढलाएगा चारों तरफ उसके लिए लगेगा, और छत और बीम दोनों एक ही साथ कास्टिंग होना है, ढलाना है, ठीक है। और 78 किलोग्राम दोस्तों आपका जो रिंग लगेगा बीम में, ठीक है, उसके लिए लगेगा। तो टोटल आपका हो जाएगा 974 प्लस 315 केजी आपका बीम के लिए, प्लस 78 केजी आपका रिंग के लिए, यह 1367 किलोग्राम, ठीक है, लग जाएगा सरिया, ठीक है दोस्तों। अब हम रेट का अगर बात कर ले प्राइस का, तो 1367 1367 केजी, ठीक है। अगर रेट हम लेके चले स्टील का रेट, अभी एक एवरेज स्टील का रेट अगर लेके चले तो 70 रुपया कम से कम। आपके एरिया में यह रेट ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अच्छा सरिया लेंगे तो 80-85 रुपया भी पड़ जाएगा, 80 रुपया के आसपास। तो 1367 गुने 70 रुपया, तो यह दोस्तों देख सकते हैं सरिया के ऊपर 95,690 रुपया आपका लग जाएगा, ठीक है, जिसमें बीम भी साथ साथ है। अब हम सेटरिंग का बात कर लें, तो देखिए दोस्तों इंडिया के अंदर में सेटरिंग का जो रेट है 40 से लेके 80 रुपया पर स्क्वायर फुट का पड़ता है, ठीक है। तो हर एक जगह ये रेट नहीं है 80 रुपया 85 रुपया, साउथ इंडिया के तरफ और पड़ जाता ज़्यादा ही रेट, लेकिन एक एवरेज लेके चले तो 45 रुपया एक स्क्वायर फुट का हम लेके चल रहे हैं, जिसमें आपका सेटरिंग लगा के देगा, कॉन्क्रीटिंग करके देगा, ठीक है, सरिया उरिया बांध के दे देगा टोटल। तो 1250 स्क्वायर फुट स्लैब ढलाने के लिए, छत ढलाने के लिए 45 रुपया सेटरिंग लेबर का कॉस्ट का अगर बात कर ले, तो यह 56,250 रुपया पड़ जाएगा। अब हम जो भी बताए हैं उसको एक साथ जोड़ देंगे तो कितना पड़ेगा, 54,180 रुपया आपका हो गया सीमेंट के ऊपर, 23,175 रुपया आपका हो गया बालू के ऊपर, और 35,325 रुपया आपका हो गया गिट्टी के ऊपर, 95,690 रुपया आपका हो गया स्टील के ऊपर, प्लस 56,250 रुपया हो गया आपका शटरिंग लेबर का कॉस्ट। टोटल जोड़ दीजिएगा तो 264,620 रुपया आपका 1250 स्क्वायर फुट में छत ढलाने के लिए स्लैब प्लस बीम, ठीक है, दोनों का कॉस्ट पड़ेगा। अगर बीम हटा दीजिएगा
तो कम पड़ जाएगा। हम आशा करते हैं आप लोग से कि हमारा बताया हुआ यह इन्फॉर्मेशन आप लोग जब भी स्लैब कास्टिंग कराएंगे तो जरूर हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं सीधे साधन वीडियो में, जब तक मेरे दोस्तों जय हिंद।